हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू यूनिक डिजिटल कैंपस सो आई एम बैक विद द सेम स्लाइड एंड डिफरेंट सेशन राइट तो अभी आरआरबी पीओ एंड आरआरबी आरआरबी कलर्स क्लर्क के एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है एंड अपकमिंग एग्जाम इज़ आईबीपीएस वी आईबीपीएस एस क्लर्क क्लर्क के भी एग्जाम आने वाले हैं तो दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स ठीक है जो बिगनर्स अभी तैयारी जिन्होंने शुरू की है या मिड में है अभी ठीक है दो तीन महीने हो चुके हैं तैयारी को या जो बिल्कुल अभी जीरो से शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनके लिए है कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन रीजनिंग राइट तो अगर पेपर पैटर्न की बात करूं मैं तो आपको पता है प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स की अगर दिस इज आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न रहता है थर्टी फाइव ऑफ थर्टी मार्क्स राइट आपके पास 35 आते हैं पैंतीस नंबर के आउट ऑफ विच अप्रोक्सिमेटली बीस क्वेश्चन आपके पास पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बनते हैं अप्रोक्सी देखो दे कैन गिव एनीथिंग कभी कभी पंद्रह क्वेश्चन भी दे सकते हैं कभी कभी पच्चीस भी दे सकते हैं बट अप्रोक्स जो पैटर्न चल रहा है जनरल पैटर्न इज क्वेश्चन फ्रॉम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट राइट और जो पंद्रह क्वेश्चन वो हमारे पास जितने भी बाकी चैप्टर्स बचे हैं हमारे पास वहां से आते हैं तो अगर मैं बात करूं कि हाउ टू स्टार्ट विथ जीरो टू गो अपू थर्टी फाइव पैंतीस कैसे स्कोर किया जा सकता है एंड दैट्स ट्रू पैंतीस के पैंतीस फुल मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं हा आईबीपीएस में कभी कभी थोड़ा सा कम रह जाता है थर्टी फाइव थर्टी थर्टी फाइव की अगर बात करें तो थर्टी थर्टी वन थर्टी टू राइट तो देखो स्ट्रेटेजी सिंपल है आईबीपीएस क्या कहता है आईबीपीएस मांगता है प्रैक्टिस और रीजनिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा और अगर आपने तीन चार पांच दिन अगर छोड़ दिया प्रैक्टिस करना तो आपके स्कोर कंसिस्टेंटली घटने शुरू हो जाएंगे सो यू कांट इवन स्किप स्किप टू टू थ्री डेज राइट एक दो दिन स्किप होता है कोई बात नहीं चलता है लेकिन आप चार चार दिन पाँच पाँच दिन स्किप कर रहे हो देन डेफिनेटली कुछ लैक करोगे तो अगर बात करें कि स्टार्टिंग कहां से करनी है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ अक एक मॉक लिखो whether it is full length mock और अगर सेक्शनल रीजनिंग का मॉक लिखना चाहते हो तो रीजनिंग का मॉक भी लिख सकते हो मान लो एक भी क्वेश्चन नहीं आता आपको राइट right? एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ देन क्या करो स्टार्ट विद द एनालिटिक पोर्शन देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक वर्बल एंड थर्ड इज कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकल इनमें डिफरेंस क्या है जो हमारे पास वर्बल रीजनिंग होती है वी कैन सॉल्व इट वर्बली राइट कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी एनालिटिक में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और लॉजिकल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लॉजिक लाइक आपको कोई अथॉरिटी बना दिया गया है आपको जज बना दिया गया एंड यू हैव टू गिव द जजमेंट आपको अथॉरिटी कुछ किसी भी इंस्टीट्यूशन का अथॉरिटी लाइक चेयरमैन बना दिया गया है देन यू हैव टू द सोसाइटी की प्रॉब्लम सोल्व करनी है इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग करेक्ट तो स्टार्ट विद द एनालिटिक और एनालिटिक में आपने एक मॉक लिखा लेट्स सपोज कि एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ देन जस्ट प्रिपेयर सिलोजिज्म राइट सिलोजिज्म प्रिपेयर करो एक दिन दो दिन लगा के हार्डली दो दिन में देखो एक दिन में दो दिन में हो जाएगा आराम से कवर सिलोजिज्म प्रिपेयर किया आपने उसके बाद अटेम्प्ट अनदर मॉक एक और मॉक लिखिए और टारगेट यही रखिए कि जस्ट आई हैव टू अटेम्प्ट सिलोजिज्म अगर सिलोजिज्म के पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तो टारगेट ये है कि बस मुझे ये पांच नंबर लेने हैं बाकी से बाकी चैप्टर्स का बाकी का कुछ लेना देना है नहीं हमें ठीक है अब अगर यहां पे आप नहीं कर पा रहे अटेम्प्ट सिलोजिज्म भी देन गो बैक टू सिलोजिज्म अगेन दोबारा फिर पेयर कीजिए अच्छे से और फिर दोबारा मोक दीजिए जब तक आप सिलोजिज्म टू सेंट अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे एटी टू हंड्रेड परसेंट अटैम्प नहीं कर पा रहे टू टू 80, 80 तब तक आप नेक्स्ट चैप्टर पे मत जाइए ठीक है मोग लिखते रहिए तब तक जैसे ही आपको लगे कि हमारा किसेंट या हंड्रेड परसेंट पूरा भी हो चुका है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट होने लगे या एट्टी परसेंट क्वेश्चन पांच में से चार क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं देन जम्प टू द इनइक्वालिटी राइट अब इनइक्वालिटी प्रिपेयर कीजिए अच्छे से एक दो दिन लगा के रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन फिर उसके बाद एक और मोक लिखिएविटी का मोक लिखिया अब टारगेट ये रहना चाहिए कि सिलोजिज्म तो हमने ठीक करना ही करना so स्ट्रेटेजी अपनाई फिर उसके बाद आप जंप कीजिए इनपुट आउटपुट पे जंप मत कीजिए डाटा सफिशियंसी पे जंप मत कीजिए आप अब अपने ब्लड रिलेशन तैयार कीजिए उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस तैयार कीजिए

तो देखो डाटा चुफिशियंसी कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत है नहीं आपने ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर की, कीजिए और डाटा चुपिशियंसी की जस्ट प्रैक्टिस कीजिए अब जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग और मशीन इनपुट आउटपुट है इज एक्चुअली अ मेंस लेवल क्वेश्चंस मेंस लेवल टॉपिक तो ऑन द फर्स्ट नोट आप प्रीलिम्स के लिए सिर्फ यही टॉपिक तैयार कर लीजिए राइट आपने ये टॉपिक तैयार कीजिए और आप लिख ही रहे हैं हर चैप्टर के बाद एक मॉक लिख रहे हैं अब आप देखिए आपका स्कोर कितना जा रहा है ठीक है जब तक आपका स्कोर थर्टी थर्टी के अराउंड इन द क्लर्क एंड आई विल से ट्वेंटी जाता तब तक आप रीजनिंग तैयार करती जाए राइट तब तक आप रीजनिंग तैयार कीजिए फिर क्या होगा विद द प्रैक्टिस आप हर एक मोक लिख रहे हैं आप उसे एनालाइज कीजिए एनालाइज करने के बाद यह देखिए कि आपके क्यों नहीं हो पा रहा स्कोर थर्टी क्यों नहीं जा पा रहे आप थर्टी फाइव क्यों नहीं जा पा रहे, देन वर्क ऑन दैट ठीक है हर एक मौके के बाद अपने आप पर काम कीजिए हर एक टॉपिक पे काम कीजिए, कैन इजिली स्कोर थर्टी फाइव आउट ऑफ थर्टी फाइव इन द कलर्क एंड अगर पीओ की बात करें तो पीओ में भी थर्टी प्लस किया जा सकता है ठीक है और इवन थर्टी फाइव भी स्कोर किया जा सकता है कभी कभी एंड विद इन ट्वेंटी मिनट तो आपको बताया ना पैंतीस क्वेश्चन होते हैं पैंतीस मार्क्स के और बीस मिनट का हमारे पास टाइम होता है तो यू कैन ईजिली गो अप टू थर्टी फाइव एंड थर्टी प्लस राइट सो दिस इज द रीजनिंग स्ट्रैटेजी और मिलते हैं विदियो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय